तो फ्रेंड्स हम वापस आ चुके हैं एक नए रियल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपके अपने चैनल रेव पर। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो उन यूजर्स के लिए है जो अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में बहुत सारा मूवीज या टीवी शो स्टोर करके उन्हें अपने एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के थ्रू देखना पसंद है। क्योंकि फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वीडियो प्लेयर के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ऑलमोस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसा लुक और फील देगा, और फ्रेंड्स आपके ये ओवरऑल मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस और कन्वीनियंट करेगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा वीडियो प्लेयर है। फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं नोवा वीडियो प्लेयर के बारे में। फ्रेंड्स ये ऐप आपको एंड्रॉइड टीवी प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा जब आप नोवा करके वहां पर सर्च करोगे। जैसे ये आपको ऐप मिल जाए आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए और इसे फिर ओपन कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे ही आप इस वीडियो प्लेयर को ओपन करोगे तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको एक लोडिंग आइकन दिखेगा। बेसिकली नोवा वीडियो प्लेयर आपके स्टोर्ड मूवीज या टीवी शोज को स्कैन कर रहा है और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो डिफरेंट सोर्स से गैदर कर रहा है। इंफॉर्मेशन जैसे कि टीवीज या मूवीज रिलेटेड ट्रेलर्स, पोस्टर्स, डायरेक्टर्स, कास्ट नेम, सिनॉप्सिस, ये सारे इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है ताकि वो आपके लिए उसे प्रेजेंट कर पाए। और फ्रेंड्स अगर आपके डिवाइस में बहुत सारा कंटेंट स्टोर है तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है। बट फ्रेंड्स ये प्रोसेस तभी ज़्यादा टाइम लेता है जब आप वेरी फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो अपने एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ। फ्रेंड्स जैसे ही आपका स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आपको बॉटन सेक्शन पर आना है और वहां पर आपको लेगेसी इंटरफेस करके एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली उसको क्लिक करना है और उस सेक्शन के अंदर चले जाना है। जैसे ही आप लेगेसी इंटरफेस के अंदर जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे मूवीज, टीवी शोज, ऑल वीडियोस, रिसेंटली एडेड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फ्रेंड्स दूसरे साइड में आपको आपके टाइटल रिलेटेड पोस्टर्स और उसके रिलेटेड वॉच टाइम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके इस डिवाइस में जितने भी टाइटल स्टोर है आपको सारा वो टाइटल्स यहाँ पर दिख जाएगा बेस्ड ऑन इट्स कैटेगरी। और फ्रेंड्स अगर बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस आपके डिवाइस में या आपके नोवा वीडियो प्लेयर पर सेलेक्टेड नहीं है तो आप सिंपली टॉप सेक्शन पर जाके इस क्यूबिकल बटन को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो ड्रॉप लिस्ट आएगा उस ड्रॉप लिस्ट में आपको पोस्टर को सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स फिर इस अवेलेबल लिस्ट में से जो भी मूवी या टीवी शो आपको देखना है आपको सिंपली उस कंटेंट तक चले जाना है और फिर उसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक अलग सा विंडो ओपन होगा और उसमें आपको कुछ लगभग वैसा ही इंटरफेस मिलेगा जो यूजुअली आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स ठीक उसी तरह आपको इस मूवी के टाइटल रिलेटेड कुछ डिटेल्स या इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जैसे कि इस मूवी का रेटिंग, देन इस मूवी का सिनॉप्सिस और फिर ठीक उसी के नीचे इस मूवी के फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि ये कौन से रेजोल्यूशन पर आपके डिवाइस पर स्टोर है, फिर इस पर कौन सा साउंड फॉर्मेट है, 5.1 डॉल्बी है या डॉल्बी डिजिटल प्लस है, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। फ्रेंड्स सबटाइटल के नीचे आपको ट्रेलर्स का सेक्शन मिल जाएगा। ट्रेलर्स के सेक्शन के अंदर आपको मूवी रिलेटेड ट्रेलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप कोई भी ट्रेलर को क्लिक करोगे तो यह आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर लेकर जाएगा और वहां पर ट्रेलर को प्ले करने लगेगा। फ्रेंड्स ट्रेलर्स के नीचे आपको एक कास्ट रिलेटेड सेक्शन मिल जाएगा जहां पे आपको मूवी में जो भी कास्ट इन्वॉल्व है उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उनके नेम आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स उसी सेक्शन में आपको एक IMDB का आइकन मिलेगा। इस आइकन को अगर आप क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस का डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उस पर आपको IMDB का साइट ओपन होता हुआ दिखेगा। फिर IMDB में आपको सेम वही टाइटल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे लाइक यूजर रिव्यू, कास्ट फोटोज, कास्ट रिलेटेड और भी डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्राउजर के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब इस मूवी को प्ले करने के लिए हमको सिंपली इस प्ले बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा बॉटम सेक्शन से। फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको नोवा वीडियो प्लेयर का पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी पसंद नहीं आए और सिर्फ इसका यूजर इंटरफेस ही पसंद आया है जहां पे आपको ये मूवी पोस्टर्स और रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप दूसरे वीडियो प्लेयर पर भी जंप कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम नोवा वीडियो प्लेयर।
जैसे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर ये डिफरेंट ऐप को यूज करने का ऑप्शंस बता रहा है और ये एप्स के थ्रू मैं अपने इस मूवी को प्ले कर सकता हूँ अपने फेवरेट वीडियो प्लेयर पर। जैसे अगर आपको VLC पर प्ले करना है तो आप सिंपली यहाँ पर VLC को सेलेक्ट कीजिए तो नोवा वीडियो प्लेयर आपको डायरेक्टली VLC पर लेकर जाएगा और फिर वो इस वीडियो को प्ले करने लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके डिवाइस के अंदर मूवीज के अलावा कुछ TV शोज भी स्टोर्ड है और अगर आपको उन TV शोज को देखना है तो आप सिंपली लेफ्ट साइड वाले सेक्शन पे आ जाइए और फिर TV शोज पर क्लिक कीजिए। TV शोज के अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगा जिस पर आपको आपके डिवाइस पे स्टोर सारे TV सीरीज का नेम या टाइटल्स मिल जाएगा। फिर कोई भी एक TV सीरीज को आप सेलेक्ट कीजिए जो आपको देखना है और उसके अंदर चले जाइए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप TV सीरीज के अंदर जाओगे उसके अंदर आपको एपिसोड सीजन वाइज फोल्डर्स के अंदर मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सीजन के अंदर चले जाना जहां पर आपका वो एपिसोड सेव्ड है। फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको सिंपली एपिसोड का लिस्ट मिल जाएगा और उस लिस्ट में से आप अपना एपिसोड प्ले कर सकते हो। और फ्रेंड्स, टॉप में आपको उस TV सीरीज रिलेटेड एक छोटा सा समरी भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नोवा वीडियो प्लेयर आपको ईयर वाइज और जॉनरा वाइज मूवीज को सॉर्ट करने का ऑप्शन भी देता है। इसे करने के लिए आपको सिंपली इस सेक्शन पर चले जाना है जो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मिलेगा और जैसे आप उस सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल मूवीज, मूवीज बाय ईयर और मूवीज बाय जॉनरा का। मान लीजिए अगर आपको मूवीज को ईयर के हिसाब से सॉर्ट करना है तो आप सिंपली मूवीज बाय ईयर को क्लिक कीजिए तो आपके सामने आपके सारे स्टोर्ड मूवीज ईयर वाइज फोल्डर के अंदर आपको दिख जाएंगे। फिर आप अपने ईयर के हिसाब से उस फोल्डर के अंदर चले जाइए और फिर उस मूवी को जो आपको देखना है आप उसे प्ले कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको मूवीज को उनके जॉनरा वाइज सॉर्ट करना है तो आप फिर से उस सेक्शन पर जाके मूवीज बाय जॉनरा को सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपको जो भी फोल्डर्स मिलेंगे वो सारे फोल्डर्स आपको जॉनरा वाइज मिलेंगे, जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन, कॉमेडी, ऐसे सारे फोल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से उस फोल्डर के अंदर चले जाइए। जैसे अगर आपको एक्शन मूवी देखना है तो आप एक्शन फोल्डर के अंदर चले जाइए और फिर उसके अंदर जो भी मूवी आपको देखना है आप उसे सिंपली क्लिक करके देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलरली लेगेसी इंटरफेस है ये थोड़ा पुराना इंटरफेस है, इसलिए शायद आपको यहाँ पर ब्राउज करते वक्त कुछ लैगिनेस या थोड़ा सा बग भी दिखे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंटरफेस पसंद नहीं आए या अगर आपको ये यूज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आपको इसके बाहर एक न्यूली इम्प्रूव्ड इंटरफेस भी मिलेगा जो लगभग इसी की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर होम पेज पर बाहर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जिस पर आपको मूवीज और TV शोज का 2 अलग सेक्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेक्शंस पर आपको जॉनरा वाइज और पीरियड वाइज 2 फोल्डर्स मिल जाएंगे, बाय ईयर मूवीज के लिए और बाय डेट TV शोज के एपिसोड्स के लिए। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आप मूवीज बाय जॉनरा के अंदर जाते हो तो इसके अंदर आपको सिमिलर टू लेगेसी इंटरफेस यहाँ पर जॉनरा वाइज डिफरेंट मूवीज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक्शन, कॉमेडी, फैमिली, ड्रामा, ऐसे सारे आपको जॉनरा वाइज मूवी टाइटल्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर नए इंटरफेस पर अगर आप कोई TV शो या मूवी को सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर का इंटरफेस आपको थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा जब आप उसे लेगेसी इंटरफेस से कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जैसे कि सबटाइटल, फाइल इन्फो, पोस्टर्स, ट्रेलर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेगेसी इंटरफेस में भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर जो इसका प्रेजेंटेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेंगी और प्रॉपरली सॉर्टेड और प्रॉपरली सेक्शन वाइज दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेगेसी इंटरफेस उतना कन्वीनियंट नहीं लगता है यूज करने के लिए तो आप इस नए इंटरफेस को यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि कैसे हम नोवा वीडियो प्लेयर को यूज करते हैं जब हम अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स में स्टोर्ड बहुत सारे मूवीज और TV शोज को एंड्रॉयड TV बॉक्स के थ्रू अपने TV स्क्रीन पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए कि आपको ये नोवा वीडियो प्लेयर कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।